गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। यस्टरडे आई कंप्लीटेड चैप्टर 3, टुडे आई एम अबाउट टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, द सैंडी रोड। द सैंडी रोड, रेतीला सड़क, रेतीली सड़क, जो रेतीली मतलब जिसको बलुई सड़क, जिसको बालू वाली बोलते हैं, ऐसे वो मरुस्थलों में पाया जाता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। रिफ्लेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ओपन योर बुक्स, देन आई एम अबाउट टू टीच यू। एवरीवन ओपन योर बुक, नाउ स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, देयर आर सम पिक्चर्स, एवरीवन लुक दोज पिक्चर्स। जो भी यहाँ पे पिक्चर तस्वीरें बनी हुई हैं, आप लोग उनको देखिए। द कैप्टन्स ऑफ टीम्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू दियर टीम मेंबर्स। द कैप्टन ऑफ टीम्स, जो टीम के कैप्टन होते हैं, जो लीडर होते हैं, आर गिविंग, लोग दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन मतलब सुझाव, टू दियर अपने टीम मेंबर्स, अपने टीम के सदस्यों को, जो कैप्टन हैं, अपनी टीम की रणनीति के बारे में सुझाव दे रहे हैं। इट इज द जॉब ऑफ द कैप्टन, इट इज द जॉब, या उनके जो कैप्टन के होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, उनका जिम्मेदारी होती है, टू कीप दियर टीम मेंबर्स इन हाई स्पिरिट, अपने टीम के सदस्यों को इन हाई स्पिरिट, हाई मीन्स होता है उच्च, स्पिरिट मतलब उत्साह में, अपने टीम के सदस्यों को का उत्साह जो होता है उसको बहुत हाई लेवल पर रखना चाहिए। एंड आल्सो टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर, और उन्हें और अच्छा बेहतर मतलब और बेहतर करने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाए रखना चाहिए, उनका उत्साह लेवल और बहुत हाई लेवल पर रखना चाहिए, और उनको दिन प्रतिदिन उनको समय दर समय उनको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। टीम लीडर का यही वर्क होता है, अपने टीम के सदस्यों को मिला जुला करके, उनका सहयोग करके, उनको मोटिवेट करते रहो और उनसे अच्छा काम लो। डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, क्या आपके पास लीडरशिप क्वालिटी मतलब आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। लाइक डिटर्मिनेशन, लाइक डिटर्मिनेशन मीन्स होता है, लाइक मीन्स होता है तरह, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, जैसे डिसीजन, कैप्टन का डिसीजन जो होता है दृढ़ होना चाहिए, जो भी कहे उसको अपनी दृढ़ता के साथ करना चाहिए, आपकी पिच आशावादी होना चाहिए। एंड ए सेंस ऑफ टीम वर्क, एक मतलब टीम वर्क की तरफ, जो सहयोग मतलब टीम में जो काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें पूरा टीम का जितने भी मेंबर होते हैं उनका वर्क होता है, उनका काम होता है, विदाउट टीम, पूरे टीम के कोई अकेला खिलाड़ी उसको खेल नहीं सकता, उसको जिता नहीं सकता है। आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द सेम, आप अपने से पूछिए या अपने दोस्तों से पूछिए यही, कि क्या उनके अंदर दिन क्षमता है, क्या आशावादी हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं मैच हारने का पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर उम्मीद होती है, आशावादी होते हैं, नहीं अभी हम जीत सकते हैं, अपने साथियों के साथ ऐसे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक जमाने की बात है, देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए विलेज, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी जो सामान को खरीदता है बेचता है, वो एक छोटे से गांव में रहता था। He wanted to sell his goods. वह अपने सामान को बेचना चाहता था in a far away town across the desert. वह मरुस्थल के उस पार जाकर, शहर के उस पार, दूर शहर के उस पार जाकर के अपने भाग्य को आजमाने के लिए अपने सामान को बेचना चाहता था। One day, एक दिन, he decided, उन्होंने निश्चय किया, to take up his journey. वह अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए सोचा, along with ए फ्यू हेल्पर्स, अपने कुछ सहयोगियों के साथ, एक व्यापारी था, वो अपने मरुस्थल के उस पार बहुत दूर अपने व्यापार को, अपने सामान को बेचना चाहता था।
ही स्टार्टेड ही जर्नी अलॉन्ग विद हेल्पर्स, वह अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपनी यात्रा को शुरू करता है। ही स्टार्टेड ऑफ एट द हेड ऑफ ए ह्यूज कारवा, ह्यूज कारवा, ह्यूज मतलब विशाल गए, कारवा मीन्स ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, मतलब ये बहुत सारी गाड़ियों का ये समूह। तब कैमल कार्ट, उस समय मरुस्थलों में क्या होता है, बालू वाले रास्तों में वहाँ पे ऊँट की गाड़ियाँ चल सकती हैं, क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं गद्दीदार होते हैं, उसमें बालू में धंसते नहीं, इसलिए वहाँ पे कैमल कार्ट चलता है। कैमल मीन्स होता है ऊँट, वह ऊँट गाड़ी। लोडेड विथ फूड वाटर एंड फायर वुड, और अपना एक बहुत बड़ी कारवां, बहुत सारी मतलब ऊँटों का एक गाड़ियों का एक समूह था, जिसमें व्यापारी था, उनका सहयोगी लोग थे, और जो ऊँट की गाड़ी थी दे आर लोडेड विथ फूड वाटर एंड फायर वुड, जो गाड़ियाँ थी जो रास्ते लंबा सफर था उसके लिए भोजन पानी और जलाने वाली लकड़ी को लोग रख करके प्रस्थान किए। रिमेनिंग पार्ट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।